हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मॉर्निंग तो क्या हो रही है, अभी 12 बजे से ऊपर हो गया है ना टाइम, 12 बजे से ऊपर टाइम हो गया है। बट आपको पता है हमारे साथ क्या हुआ, अपने लास्ट व्लॉग में उधर गए एंड में, हम तीनों सोए हैं मेरे ख्याल से 7 बजे सुबह के। पूरी रात इन लड़कों ने मुझे सीप खेलना सिखाया और मैंने नई नई ताश खेलनी सीखी थी। हम पूरी रात ताश खेल रहे थे पागलों की तरह। उसके बाद सुबह 7 बजे हम लोग सोए हैं। अब क्योंकि मैं उठ गई हूँ तो इन सबको मैं कैसे सोने दूँ, तो चलो हम इन सबको भी उठाएंगे। उठा भैया को। अरे भैया को उठाना लायक उठा उसको, कुछ उसको उठा। इसको सबसे पहले सोया ही है। प्लान नंबर टू, क्योंकि मैंने इन तीनों को बोला था कि अगर तुम ज़्यादा सोए, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से नहीं सोती, तो तुम गए। छींटे छींटे मारना मैंने बेचारी को लग रहा है, ज़्यादा मत फेंकना, छींटे मारो। वो खोल के मारो, थोड़ा बाल बाल तो साफ कर रहा है। बालों मारो, कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरे को देखते हैं। नो रिएक्शन। अरे ना ना, ऊपर से बड़ा फर्क तो बड़ा। जरूरी है मैं ही उठाऊं आपको हमेशा? वही क्या हो रहा है, मेरा आइडिया था। मैंने बोला था ना तुम मेरे से ज्यादा सोए तो मैं उठाऊंगी। इसकी वजह से सोए ना हम सब। दीदी सबसे कम मैं सोया और सबसे ज्यादा पानी आपने मेरे अंदर डाला। नहीं नहीं, सबको इक्वल डाल रही हूँ। मुझे नींद डिस्टर्ब कर चुके हैं, अभी उठ जाएंगे। चल ना खाना खाते हैं। खाते पहले मुझे आपको नीचे दिखाने के चल रहा है। ये पूरा एरिया साफ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पीछे जो उसका रास्ता है ना, ये खेत का रास्ता है ना, उस खेत में सारी फसल कटनी है और वहाँ पे धाम होगी। वो अभी, क्योंकि अभी रिसेंटली खरीदा है तो इसलिए वहाँ पे फसल लगी हुई है, वो कटेगी फिर वहाँ धाम होगी। तो उसका जो रास्ता है ना, वो यहाँ से पीछे होगा। यार मैंने ना वो नहीं लगाई है, सनस्क्रीन नहीं लगाई है, तो अभी मैं ऐसे ज़्यादा देर यहाँ पर रुक नहीं सकती। आप तीनों क्यों नहीं कर रहे हो काम? कोई ये काम नहीं है क्या खाने का? 3 दिन से फुलहार खाने के बाद अब मिल रहे हैं परांठे। मम्मा मक्खी थी, मम्मा आपने मुझे इतना डरा दिया, ऐसे किसने मार दिया तेरे को? सुन ले आराम से, सुन ले ओ जसा तो जा देखना। इसको बांध, इसको बांधा था ना, देखना देखना देखना। ओ हो हो हो, मार दिया बेचारे बच्चे को, मार दिया। ओ यो 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 ले, कैसे बांध दिया? कहाँ जाएगा यहाँ से, कहाँ जाएगा? इसको जाना है नीचे, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया ना मौसम मौसी और सब काम कर रहे हैं। कल रात को हम सब यहाँ सोए ना, पुन्नू मौसी को ना पूरी रात ये कमरा खटकता रहा। बिलासपुर और हमीरपुर और मतलब इसी एरिया के लोगों को ना बहुत ही ज्यादा कलर्स पसंद है, मतलब एक्सट्रीम में एक ही कमरे में 50 कलर्स होते हैं। मैं और नन्नी आए एलोवेरा लेने के लिए, क्योंकि टेडी उगी हुई है। अरे ये क्या हुआ है, उगी हुई है ये, यहाँ से भी चल रही है ऐसे को भी उगी रही है। ओके, तो अभी उन्होंने बोला कि हमें इसको यहाँ से काटना है, फिर यहाँ से काटना है, फिर ये वापस लगा देना है इसमें। यहाँ से इतने दूर से इतने सारे एलोवेरा का क्या करेंगे, ले अब तोड़। ये बड़ी मम्मा को गागल्स करने हैं, पता नहीं कैसे करेंगे एलोवेरा के, बट गागल्स करने हैं। और मैंने सोचा थोड़ा सा फेस पे लगा लेती हूँ। आपको ये पता है या नहीं पता है, बट इन्होंने बड़ी मम्मा ने मुझे बोला था कि आगे से तोड़ के वापस इसमें लगा देना गमले में,
तो ये ऐसे लग जाती है, वापस उग जाती है। क्यों रो रहा है? कौन रो रहा है नंद? मेरे बिट्टू क्यों रो रहा है? ऐसे मैंने ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे टीचर्स को बोलना है कि ऐसे यार बच्चों को इतना सारा काम मत दिया अगर वो बेचारा अकेले बैठ के होमवर्क कर रहा और रो रहा है यहाँ पे। सब लोग आनंद की हेल्प करने आ गए, अब आनंद का होमवर्क जल्दी जल्दी हो जाएगा, फिर आनंद भी मजे करेगा। हंस के दिखा, हंस के दिखा, इसे ढंग से हंस के दिखाओ, इधर देखो, हंस के दिखाओ। कैसे कल मैंने कैसे सिखाया था आपको, ऐसे करो सारंगे, इधर देखो। तो खुश हो गया आनंद, अब तो स्माइल कर रहा है। स्माइल तो नहीं कर रहा लेकिन इसको डर कर रहा, सब हुआ कि सीधा उल्टा सीधा फैश हुआ सब बड़ा है। देखो ये मैं पकड़ लिया, इधर के खुश ले रहा है। ले और आप कैसे, चलो तो जाओ ही बट मेरे रेडी होते ही हम लोग कार्ड्स खेलने लग गए थे, सब लोग कार्ड खेलने आ गए, तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो अपनी सीट खेल रहे हैं क्योंकि सीट चार ही लोगों में खेली जाती है। और अब मुझे याद है कि मुझे आपको अपना आउटफिट भी दिखाना था। देखो मुझे किसकी चीज जी है, देखना कैसे उठा गुरुवार है। मैंने ना ऐसे बोला यहाँ से चलते चलते कि क्रेजी को देखना, अपनी चीजी साथ लेके सोया और चीजी सुनते ऐसे उठा और भोंकने लग गया मेरे ऊपर, पता है। देखना ये चीजी किसकी है, ये कितना फनी है। किसकी चीजी है ये? अच्छा ठीक है ठीक है, क्रेजी की चीजी है, सो जाओ खा लो खा लो। मैंने सोचा कि मैं आज वो करूँगी, ऐसे साथ में गुद करूँगी, तो मम्मा मेरे सर पे लगा रहे हैं फेक गुद जिससे मेरे बाल लंबे लगेंगे। तो आपको दिखाती हूँ मैं, मैच करेगी या नहीं करेगी वो भी पता चलेगा कि मेरे बाल नीचे से कलर्ड है ना, ऊपर से तो ठीक है, नीचे से जो कलर्ड है इसके साथ मैच करनी चाहिए। अब मैं आपको अपनी गुद दिखाने जा रही हूँ, 1 2 3। भांगड़ा आ रहा है मुझे इस गुद में। मेरी बात सुन लो, जिसका भी ये गाना है, किसका गाना है ये, मिस्टर पंकज ठाकुर, मुझे कॉपीराइट नहीं मारना ठीक है। भाई हम करके मिल जा रही तो रेडियो के घूम रहे ना, आप देख रहे हो बड़ी मम्मा मौसी मामू कैसे बन गए, भी काम कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, मैंने ना इन सब चीज़ों से रियलाइज़ किया, जैसे हम तो रात भर जागे हुए थे, सुबह लेट उठे, उठने के बाद हम खाना खाया, खाना खाने के बाद अपना गेम वगैरह खेल रहे थे, रेडी हो रहे थे, बट जितने भी बड़े लोग हैं ना सब काम कर रहे हैं। अब मैं, मुझे पता है मैं बड़ी हो चुकी हूँ, बट अभी मैं अपने घर पे तो खुद को कंसिडर करती हूँ छोटा ही, और वो मैं करूँगी हमेशा के लिए छोटा ही। बट मैं से रियलाइज़ करती हूँ कि जब हम एक बार बड़े हो जाते हैं फिर हमारे सिर पे कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है ना। जितने भी बड़े लोग हैं वो हमारी तरह नहीं कर सकते थे कि रात भर जागे हुए हैं, उसके बाद रात भर खेल वेल के दिन भर सोएंगे, उसके बाद शाम को उठ के अपना मेकअप वेकअप करके घूमें। क्योंकि मुझे तो यही है कि मुझे अभी रेडी हुई हूँ मैं, अब मुझे पिक्चर्स खिंचवाने जाना है और ये सारे बच्चे मेरे साथ जाएंगे। बट मैं सोच रही थी मुझे बड़ा नहीं होना यार, बड़े लोगों के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, या तो मुझे बड़ा नहीं होना या तो मुझे बड़े होने के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं चाहिए ना। डेली पिक्चर्स यहीं पे ले रहे थे, तो आज हम जा रहे हैं बड़ी मम्मा के फार्म हाउस पे, और हमें मिला एक डॉगी रास्ते में जिसका नाम है कोको। मिलाती हूँ को, हाय कोको, हाय बेटा, वो देख कितना प्यार कर रहा है तेरे को, वो कर रही है। अच्छा ये फीमेल है, हाँ गुड़िया, हाँ बेटा, हाँ बच बच बच, क्या हो गया क्या हो गया तेरी टांगों को, क्या हो गया बेटू? हाँ नहीं बेटू, ना 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 ना, अभी कपड़े नहीं गंदे करने। अच्छा अच्छा अच्छा, यार ये ना जीव लटका रही है जिससे मुझे थोड़ा सा ना डाउट हो रहा है कि इसको रेबीज ना हो गया हो, बट ऐसे लग तो नहीं रहा है, बट स्टिल ऐसा है ना क्योंकि ना इसको। हाँ बेटा ये पंजे वाला, अभी वीडियो बना रही थी तो देखो इसको लग रहा है इसकी भी वीडियो बन रही है, पूरा टाइम वहाँ जाके लेट रही। कोको ओले, कैसे सुनती है, कितनी प्यारी है यार, ये पूरी बात सुनती है ये। चलो मैंने थोड़ी बहुत पिक्चर्स वीडियोस तो ले ली,
यार लाइट चली गई, पता है चाय के लालच में लाइट चली गई, लास्ट मोमेंट पे चाय बनने लग गई घर पे। हमने सोचा कि चाय पी के फिर निकलते हैं, और बस वो जो चाय पी ना हमने एक, उसके चक्कर में हमारी बैंड बज गई, क्योंकि उसके चक्कर में हमारी गोल्डन लाइट चली गई। कब से रेडी हुई हुई थी मैं, बट क्या कर सकते हैं। नानी ने फिर भी थोड़ी बहुत मेरी पिक्चर्स अच्छी क्लिक कर ली, इतनी लाइट में वैसे होनी नहीं थी अच्छी क्लिक। कोको को साइड करो, लोग बाइक्स भी लेके आते हैं। ये रास्ता देख रहे हो पूरा है, बेसिकली इस लुक में ऐसी सी ही कुछ लोकेशन चाहिए थी। बट आप बिलीव नहीं करते, अगर वो सनलाइट में वो जो वो गोल्डन लाइट है उसमें अगर इस लोकेशन पे पिक्चर आ जाती ना, देख रहे हो आप प्रॉपर ऐसे बीच से एक रोड और दोनों तरफ वो कनक, तो बहुत प्यारी वो होती। मैं तो सोच रही थी कि इसमें वो होगा, वो नहीं होता है सरसों के फूल नहीं खिले हुए होते हैं, फिर मैं पूरी सरसों के फूल जैसी लगती सरसों के फूलों के बीच में। बट नन्नू ने बोला कि सीजन ही नहीं है सरसों के फूलों वाला। और ये जो मैंने फेक गुत्ते इसके साथ अटैच की है मम्मा ने, ये अब खुलने को हो गई है यहाँ से पूरी, क्योंकि मेरे बाल कटिंग में भी है ना। ये है पूरा फार्म जिसमें वो एक मतलब छोटू सा घर भी बना हुआ है, और उसके ऊपर बैठे हुए पापा। पापा ऐसे हाथ हिलाओ, दिख रहे पापा? ठीक है, ओके बाय। चलो एक ही देना दीदी को, थैंक यू। कितना मीठा है यार। एक मारने से नहीं होगा कुछ नहीं, ये देख कब कब कोई कपड़ा फंसा दिया बेटे, इस तरह तो जिद खराब। इसको जोर से खींच दो, पता मेरे को यार बेटे खराब हो जाएगा ना। दूसरा नहीं, एक ही है पापा, इधर ही है दोनों जिप, दूसरी भी इधर ही है। अब नहीं खुलेगा बेटे? नहीं खुलने का नहीं है, एक पंगा पा दिया, डाल दिया बेटा, कोई सूट या कोई सलवार या किसी चीज का नहीं, दुपट्टे का है वो मम्मा लाए थे, वो मम्मा जब लाए थे बेटे, ये जिप नहीं, ये देख। हाँ ओके थैंक यू भाई। क्या निकालने देने अब? नाइट सूट। मैंने वापस आके कपड़े चेंज कर लिए, और अभी जो मैंने आपको बताया था ना कि बैक साइड में जो खेत है वहाँ पे सारी वो होगी धाम, धाम मीन्स जो खाना खाने वाले लोग आएंगे उनको वहाँ खाना खिलाएंगे, वो होने लग गया। वो घास अभी रात को कट रही है, घास नहीं सॉरी कनक अभी कट रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। वाओ इतनी कट भी गई, सब काट रहे हैं। हाय क्रेजी, तू भी आया हुआ है यहाँ पे? वाओ वाओ वाओ, तो मैं दिखाती हूँ कौन कौन है जो काट रहा है। आज पुन्नू मौसी ने जितना काम किया ना, मैंने पैदा होने से मौसी को इतना काम करते हुए देखा कभी। मौसी ऊपर देखो, आज आपने बहुत काम किया है, बहुत ज्यादा। यशी और अभी मम्मा भी है यहाँ पे, शानू बांध रहे है ना, ना तो वैसे ही सबसे ज्यादा काम करते हैं, और गप्पू अंकल, और आज मामू भी सुबह से ही काम कर रहे हैं। हाय मामू। हेलो। देखना जिन लोगों ने आज ज्यादा काम किया ना उनको मैंने ज्यादा फोकस किया है, ठीक है। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं भी थोड़ी सी हेल्प कर दूँ। सब लोग तो ये सारे लोग अभी फसल काट रहे हैं। हाँ भूल गया। तो ये है हमारी कनक उठाने वाली, कनक उठाने वाली। तो आपको कैसा लग रहा है? मन एकदम कनक कनक हो गया। कैसा लग रहा है आपको कनक? मन एकदम कनक कनक हो गया। और इस तरह सा काम कर रहे हैं। अभी ये तेज हो चुकी है, ये ना प्रॉपरली तेज नहीं थी, इससे प्रॉपरली कट नहीं पा रहा था। तो आज का लोग यही एंड होता है, बाय बाय कर दो।
व्लॉग ही खत्म कर दिया। हाँ वाह बेटा वाह, ये हो गया हमारा पूरा एरिया खाली। ये आ गई सारी कटी हुई कनक और वो रहा लास्ट का पैच जहाँ पे मम्मा और काट रहे हैं। बस मैं आपको बताऊँ, जहाँ से मैंने काटा वहाँ से मैंने काम ख़राब कर दिया, क्योंकि इसको ना काफ़ी नीचे से काटना था, मैंने आधे आधे से काट दिया। अब वो जो बैठेगा उसको चुभेगा वहाँ।